हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन पैरा मेडिको। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि जैसे कि जब आप एडमिशन लेंगे तो तब तक के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट पहले से ही रेडी करके रखना है ताकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो सबसे पहला जो हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो मतलब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो वो आपको चाहिए होगा, वो आपके पास होगा उसका प्रिंट भी, और नहीं है तो उसे भी निकाल कर रख लीजिए। नेक्स्ट है आपका आवंटन पर प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मतलब आपको अभी एक लेटर आएगा जो आपको सिक्योरिटी, आप फी पे कर देंगे उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आपका आएगा। फिर उसके बाद जो है और जो भी आपको चार्ज वगैरह पड़ते हैं वो अभी डिसाइडेड नहीं है क्या चार्ज है। उसके बाद है हाँ, स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, मतलब कि हाई स्कूल के जो आपका रिजल्ट है, मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है। किसी का क्या होता है कि जो मार्कशीट होती है वो अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है, तो आप चेक कर लीजिएगा आपकी मार्कशीट पर सर्टिफिकेट भी लिखा होगा। वैसे मोस्टली अब जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो एक ही होते हैं, लेकिन आप फिर भी अपना चेक कर लीजिएगा और उसको भी अलग से उसको भी रेडी कर लीजिए। और आपको जो ट्वेल्थ की होगी वो मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, इट मीन्स एक ही चीज़ होगी मोस्टली, ठीक है। उसे तो ये कौन किस किस में, इंटरमीडिएट में क्या क्या कुछ है, केवल विज्ञान वर्ग, भौतिक विज्ञान, रसायन विभाग, इट मीन्स कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले ही स्टूडेंट कर सकते हैं, तो बात आपको पहले से ही पता थी। नेक्स्ट आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, किस किस का देखो, अगर आप जनरल के आप जानते हैं कि कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन ओबीसी एससी और एसटी वालों को अब कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, और जो भी आपका जो अप्रैल है, अप्रैल के मंथ है उसके बाद का ही होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। नेक्स्ट है अन्य उपश्रेणी प्रमाण पर, मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, एफएफ कैटेगरी है, एक्स आर्मी कैटेगरी है, उनका सर्टिफिकेट अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ये वाला सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है आधार कार्ड, और फिर लास्ट में है कुछ और डॉक्यूमेंट जो ये बाद में वेबसाइट पर बताएंगे अगर जरूरत होगा। फिर उसके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र में एक डॉक्यूमेंट आ सकता है जैसे कि आपका गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है टेंथ के स्टैम्प पेपर पर निम्नलिखित घोषणा पत्र देना, और ये स्टैम्प पेपर है, ये जो है तहसील से बन जाता है कि मतलब कि जो भी मैं कॉलेज के सारे रूल्स फॉलो करूँगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे प्रशिक्षण केंद्र में प्रधानाचार्य विभागाध्यक्ष द्वारा प्रशिक्षण एवं अनुशासन संबंधी जो भी नियम समय समय पर पारित किए जाएंगे उनका मैं सम्मानपूर्वक पालन करूँगा या फिर करूँगी, तथा अच्छा आचरण बनाए रखकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूँगा या करूँगी, अथवा किसी को ऐसे क्रियाकलाप में भाग नहीं लूँगा या लूँगी जिससे परीक्षण में सुचारू रूप से संचालन, मतलब कि आप भी शपथ लेते हैं कि आप मतलब कॉलेज लाइफ में बिल्कुल ही रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ फॉलो करेंगे, ये आपको स्टैम्प पेपर बनवाना पड़ेगा। तो ये जो हमारे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने बताना ज़रूर समझा, तो आपको बता दिए। आशा है आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।